Yes, I am also fine. Yes, in last all lectures, in the first lecture we discussed about space, right? In the space, कौन कौन से टॉपिक लिए थे, किसी को याद है? Yes, inside and outside, very nice. Then after in the second topic, on, under, then third one, top, bottom, very nice. Then fourth one, above, below, good. Then near, far, very nice. Then after, nearer and furtherer, very good. In the second lecture, yes, in the second lecture we discuss about the shapes. Which shapes? Yes, plane shapes. कौन कौन से plane shapes हमने discuss किए थे? Do you remember that? Yes, square, rectangle, triangle and circle. These four are plane shapes. Very nice. In the next lecture, yes, we discuss about the solid shapes. Which one is the solid shapes? Can you tell me? Yes, cube, then cuboid, then after cylinder, cone, and last one is the, yes, sphere. Very nice. उसके बाद के लेक्चर में क्या किया था, याद है किसी को? Yes, we discuss about the exercise plane shapes and solid shapes. Very nice. Now we discuss about the rolling and sliding. It means which object can be roll and which object can be slide. कौन से objects roll होंगे, कौन से objects slides होंगे? Look at the first one, rolling and sliding. When an object is moved and it turns over again and again, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट से वो अगेन एंड अगेन मूव होके टर्न होता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? द मूवमेंट इज कॉल्ड रोलिंग. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मार्कर, राइट? मार्कर को मैं ऐसे मूव करूं तो वो क्या होगी? अगेन एंड अगेन रोल होगी, अगेन एंड अगेन मूव होगी. यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू? वो अगेन एंड अगेन मूव होके आगे जाएगी, ऐसे राउंड 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 होके आगे आगे जाएगी ना. यस, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोलिंग. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स स्मूथली अगेंस्ट समथिंग द मूवमेंट इज कॉल्ड स्लाइडिंग. मतलब वो कुछ भी नहीं करता, डायरेक्टली सपोज मैं इसको मूव करूँ ना तो डायरेक्टली मूव हो जाएगा. मतलब वो अगेन एंड अगेन मूव नहीं होगी, वो स्मूथली एक ही बार में चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, बुक को मैं ऐसे रखूँ और यहाँ से पुश करूँ तो एक ही बार में वो आगे चली जाएगी. यस और नो? ऐसे मार्कर को सपोज मैं पुश करूँ तो वो क्या होगी? अगेन एंड अगेन क्या होगी? मूव होगी. यस और नो? वो अगेन एंड अगेन मूव होती है, इट्स कॉल्ड दैट इज रोलिंग. और जो स्मूथली एक ही बार में आगे चली जाती है, दैट इज स्लाइडिंग. सम ऑब्जेक्ट्स रोल एंड सम स्लाइड डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप्स. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो सिर्फ स्लाइड होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट सिर्फ रोल होंगे. फिर क्या बोला? डिपेंड्स ऑन देयर शेप्स, मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? शेप्स पर डिपेंड करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, क्यूब है और रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो वो सब क्या होगा? ये स्लाइड होगा. क्यों? उसके शेप्स कैसे हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोन. कोन जो आप बर्थडे के पहनते हो, वो मूव कैसे होगी? रोलिंग करके होगी. वो स्लाइड भी होगी, रोलिंग भी होगी एंड स्लाइड भी होगी. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ रोल होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते जो सिर्फ स्लाइड होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दोनों होते हैं, रोलिंग भी होते हैं और स्लाइडिंग भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोलिंग क्या क्या होता है?
ball, tomato, lemon, orange, marbles, watermelon, मतलब जो round shapes में होंगे वो सभी क्या होंगे? Yes, that is rolling. और जो objects square में होंगे, for example box, compass box, your benches, windows, these all are sliding, books, yes, very nice. ये सभी क्या होगा? Yes, ये सभी होगा slide. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो दोनों होंगे, फॉर एग्जाम्पल योर वाटर बॉटल, आपकी वाटर बॉटल को मैं ऐसे पुश करूं तो स्लाइड भी होगी, जो ऐसे गिर गई होगी फिर पुश करूं तो वो क्या होगी? रोलिंग होगी, मतलब वो दोनों होगी. देन आफ्टर कॉइन, कॉइन होता है ना आपके पास? यस, मुझे तो कॉइन बहुत पसंद है. हाँ, तो जो कॉइन होते हैं वो भी क्या होते हैं? रोल एंड स्लाइड दोनों होते हैं. मतलब सम ऑब्जेक्ट्स कैन रोल, सम ऑब्जेक्ट्स कैन स्लाइड एंड सम ऑब्जेक्ट्स रोल एंड स्लाइड बोथ. अ बॉल रोल्स एंड अ बॉक्स स्लाइड. बॉल होता है वो क्या होता है? रोलिंग होता है. यस, और जो क्या बोला मैंने, हाँ, बॉल होता है वो रोलिंग होता है और बॉक्स होता है वो, यस, वेरी नाइस, स्लाइड होगा. ओके, Now, put your finger here, everyone. Look at the pictures. जो ये boy है, वो ball को क्या करवा रहा है? Push कर रहा है. तो ball कैसे आएगा? Rolling करके आएगा. Yes or no? Yes. Then after ये दोनों play कर रहे हैं, तो दोनों play कैसे करेंगे? Ball से. हाँ, मतलब ball होगा, वो हो गया, लेकिन क्या होगा? Move होगा. That means the rolling. And क्या होगा? देखो ये girl है, वो एक box को sliding में से push कर रही है, तो वो box क्या होगा? Yes, slide होगा. देख रहे हो आप लोग? Yes or no? It means जो circle और sphere में होगी वो objects क्या होंगे? Rolling होंगे, right? And जो square, rectangles, फिर क्यूब, क्यूबॉइड, सम ऑब्जेक्ट्स, कॉन, सिलेंडर, वो क्या हो गए? सिलेंडर है आपके घर पे, जो पहले गैस के सिलेंडर आते थे जो रेड कलर के थे, उसको जो खड़ा होता है फिर उसको पुश करो तो वो क्या होगा? व्हाट अ वे स्लाइड. पर उसको ऐसे गिरा के करोगे ऐसे तो वो क्या होगा? रोलिंग. इट मीन्स सिलेंडर भी रोल एंड स्लाइडिंग दोनों होते हैं. Then after, in the next exercise, tick write the objects that will roll. आपको जो objects नीचे दिए हो, दिए उसमें से जो objects roll होते हैं उसके ऊपर आपको write tick करना है. Done? Look at the first one, pencil. Pencil क्या होगी? Roll या slide? Yes, roll. तो pencil के ऊपर write tick आएगा कि नहीं आएगा? Yes or no? Yes, then put the tick on the pencil. Put the right tick on the pencil. Put the right tick on the pencil. In the second one, bowl. Second picture किसका है? Yes, bowl. तो bowl क्या होगा? Can you tell me? Yes, slide. Slide. तो यहाँ तो पहले tick नहीं आएगा ना? Yes, very good. बोल होगा रोल, अभी मैंने बताया था, आप लोगों ने गलत बोला. Yes, very good. बोल क्या होगा? रोल. Then after box दिया है, बटर का जो बॉक्स आता है, बटर का आते हो ना अमूल बटर, हाँ, तो वो क्या होगा? बॉक्स. Obviously स्लाइड, तो बॉक्स के ऊपर हम राइट टिक करेंगे? No, yes. Then after onion, onion क्या होगी? Roll या slide? Slide. No, onion क्या होगी? Roll. Put the tick on the onion. Then, now next exercise, tick write the objects that will slide. आपको जो objects slide होते हैं उसके ऊपर आपको write tick करना है. Done? Look at the first one. क्या है?
राइट. कुकुम्बर क्या होगी? यस दैट विल रोल. तो हमें तो स्लाइड के ऊपर टिक करना है, तो यहाँ पे टिक करना आएगा? नो. देन आफ्टर टोमेटो, टोमेटो क्या होगा? यस वेरी नाइस रोल. तो उसके ऊपर टिक करना है? नो. देन आफ्टर सूटकेस, यस दैट इज स्लाइडिंग, उसके ऊपर आई टिक करो. देन आफ्टर बैटरी, बैटरी मतलब पावर जो आप क्लॉक में डालते हो, टीवी के रिमोट में डालते हो, वो सभी क्या हो गए? यस क्या हो गए? रोल, मतलब उसके ऊपर आई टिक आएगा? नहीं. नाउ इन द नेक्स्ट पेज एक मस्त स्टोरी दी हुई है आपको, देखो. वाइज ग्रैंडमदर, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी? यस वाइज ग्रैंडमदर. लुक एट दिस स्टोरी राइट नाउ. वंस देयर वाज अ लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंडमदर. लैम्ब मींस जो शिप का बच्चा होता है ना, आप लोग उसे क्या बोलते हो गुजराती में? हाँ घेंटू. उसके बच्चे को क्या बोलते हैं हम? लैम्ब बोलते. क्या बोलते हैं? LAMB लैम्ब. वंस देयर वाज अ लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंडमदर. वो कहाँ पे जा रहा होता है? उसकी ग्रैंड मदर को मिलने. वन द ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मैट अ वुल्फ. वो जब जंगल में जाता है ना, तब उसने किसको मिला रास्ते में? वो यस वुल्फ. वुल्फ मतलब यस वरू. आई एम गोइंग टू ईट यू. अब वुल्फ ने लैम्ब को क्या बोला? आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुझे खाने जा रहा हूँ. प्लीज लेट मी गो. तो क्या बोला लैम्ब ने? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो. आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर. मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो. यू कैन ईट मी वैन आई रिटर्न. आप मुझे जब मैं रिटर्न आऊँ तब आप मुझे खा लेना. ओके यू मे गो. फिर वुल्फ ने क्या कहा? ओके तुम जा सकते हो. क्यों ऐसा बोला? क्योंकि लैम्ब ने बोला ना कि जब मैं रिटर्न आऊँ तब आप मुझे खा लेना. When he was about to return, he told the grandmother about the wolf. जब वो रिटर्न जाने के लिए निकल रहा था, तब उसने grandmother को grandmother about the wolf. उसने लैम्ब ने अपनी grandmother को about the wolf, मतलब wolf के बारे में सब कुछ बताया. The grandmother gave him an idea. Grandmother ने मतलब दादी माँ ने wolf को या lamb को किसको idea बताया? Yes, lamb को क्या दिखाया? Idea बताया. क्या थे वो idea? देखो तुम. Go and hide yourself in a ढोलक. ढोलक जिसमें आप तबला बजाते हो ना? हाँ. तो grandmother said कि अपने आप को, अपनी self को तुम ढोलक में हाइड कर दो. He did so. वो जो लैम्ब था वो ढोलक के अंदर चला गया. सी द पिक्चर्स, आप लोग देख रहे हो कि ढोलक में जा रहा है, देख रहे हो ना लैम्ब? यस. नाउ टर्न द पेज एवरीवन. यस द ग्रैंडमदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड. फिर दादी माँ ने क्या किया? जो ढोलक था ना उसको क्या किया? ऐसे पुश किया. तो ढोलक क्या होगा? यस वेरी नाइस. वो रोलिंग करते करते चला जाएगा. गुड. देखो जा रहा है ना, द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन. देखा जो ढोलक था वो रोलिंग करके करके आगे चला गया. द लैम्ब शो द फूल वेटिंग फॉर हिम. अब लैम्ब ने रास्ते में क्या देखा? देखो उसकी दादी माँ ने ढोलक में यहाँ पे क्या कर दिए? टू आइस कर दिए. टू आइस से लैम ढोलक में से बाहर देख सकता है. द लैम शो द फूल वेटिंग फॉर हिम.
अब वो लैम्ब ने क्या देखा? यस, जो वुल्फ है वो रास्ते में उसका क्या कर रहा था? वेट कर रहा था। डिड यू सी अ लैम्ब कमिंग दिस वे? अब वुल्फ ने क्या पूछा? वो ढोलक में जो होता है लैम्ब, उसको क्या पूछा कि डिड यू सी अ लैम्ब कमिंग दिस वे? तूने कोई लैम्ब को देखा है इस रास्ते हुए आते? तो लैम्ब ने क्या आंसर दिया? नो, मतलब नहीं, मैंने नहीं देखा। द वुल्फ ग्रूस सस्पेक्शियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। अब है ना, वुल्फ को तो है ना कुछ डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने क्या किया कि उसने वो ढोलक का पीछा किया। बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम द लैम्ब रीच्ड होम एंड वाज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। अब क्या हुआ देखो अगेन। बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम, मतलब वुल्फ उसको पकड़े उससे पहले, द लैम्ब रीच्ड मतलब पहुंचना, द लैम्ब रीच्ड होम एंड वाज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। वुल्फ लैम्ब को पकड़े उससे पहले ही वो अपने घर पहुंच गया और उसने दादी माँ को क्या कहा? यस, थैंक यू। नाउ हाउ वाज द स्टोरी? इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग ना? आई लाइक दिस स्टोरी, यू लाइक इट? यस, वेरी नाइस। ओके, नाउ वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। वी कंटिन्यू शेप्स एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। आभार।